तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं उस समय पर, दरवाजे पर अगर तीन सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन तीन है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान नहला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर तीन का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है, यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास कहता है। और ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त मन वृत्ति भगवान में रमी हो, चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी की देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये तीन का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला, जम के बोलो गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहाँ लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो, पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी के आने से सफल हो जाता करे? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में, भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मेनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा, तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, वहां उनके पौत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, हजार भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को ना नारायण मार सके, ना ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को ना शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था। बाणासुर को केवल मारा है तो माता पार्वती अर्धकुंवारी बनकर संहार कर चली जाती। कोई तुमसे पूछे कि सीहोर वाले महाराज ने कहा कि बहन बेटी के पूजन करते समय अगर बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ दे हो,
मत दो। पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे दर क्यों क्यों आप लोगों के ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, कोई उद्यापन होता है, कोई चीज़ बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फ़ोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे यहाँ आए, हमारी बेटियाँ हमारी नंदे हमारे यहाँ आए, हमारी बुआ हमारे यहाँ आए। अब पूछोगे गुरुजी ये प्रसंग बहन बेटी को बुलाने का तो भगवान कृष्ण के यहां से चालू हुआ। नंद बाबा की कितनी बहन थी? दो, नंदा सुनंदा। नंद बाबा की दो बहन थी, एक बहन को मालूम पड़ा कि यशोदा जी को संतान होने वाली है, तो एक ने दूसरी से कहा भाभी को संतान होने वाली है, तू कब जाएगी? बहनों में बड़ा प्रेम रहता है, मायके जाने से पहले फोन पे बात कर लेती तू कितनी तारीख को जाएगी। वो बोलती है कि मैं इतनी तारीख तो मैं थोड़ा सा बाद में आ जाऊंगी, तू चली जाना फिर मैं आ जाऊंगी। हो अब भाभी को कोई नहीं है संभालने वाला, तो जापा तो अपने को ही संभालना पड़ेगा, डिलीवरी तो अपने को ही देखना पड़ेगी। एक काम कर 15 दिन पहले तू संभाल लेना, 15 दिन बाद मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। नंदा सुनंदा दोनों ने आपस में बात कर ली कि भाभी को संतान हो तो तू चल। तो आ गई नंदा, नंद बाबा की बहन नंदा आकर घर में रहने लगी। और भाभी को जब जापा हुआ तो सबसे पहले नंदा भगवान को हाथ जोड़कर कहती है बाबा ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया की यहाँ 60 साल के बाद तो औलाद हो रही है, तो ऐसी कृपा करना कि उनके घर में लड़का हो जाए। और नंदा हाथ जोड़ती 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 यशोदा जी के कक्ष में गई, और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा तो लाला का दर्शन था। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी कलदार से, और एक थाली को उठाकर उस नंदा कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में स्टील बजता है। अब तो स्टील भी गया, प्लास्टिक। अब वो बजता है जिसके घर में तांबे की थाली, पीतल की थाली, कांसे की थाली। इसलिए मंदिर में आप लोग हम लोग तो कहें आप लोग मंदिर जाते होगे तो मंदिर में जो घंटाल बंदे रहते हैं वो तांबा पीतल और उस कांसे के बंदे रहते हैं, उसको लकड़ी से बजाते हैं। क्यों बजाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है, जितने लोग आरती में सम्मिलित होते हैं, तांबा पीतल कांसा मंदिर में इसलिए बजाया जाता है, जितने लोग आरती में आए हैं इनके घर में खुशियां प्रवेश कर जाए, इनके घर में भी आनंद की अनुभूति हो जाए। अब आजकल के ज़माने में तांबा पीतल कांसा बजाते नहीं हैं, आज के ज़माने में तो जरा सी देर में बस बच्चा हुआ है सूचना मिल गई बैंड बाजा बजवा दो, ढोल नगाड़े बजवा। नंदा ने थाली बजाई थी और फिर आवाज़ आई थी नंद घर आनंद, नंद घर आनंद भयो, फिर आवाज़ आई लाला। शिव तत्व कह रहा, पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते समय, आराधना करते समय, भगवान को भजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय अगर ये 3 का आना तुम्हारे दरवाजे पर हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सार्थक हो गया, तुम्हारा भजन सार्थक हो गया। भजन सार्थक, आवाज़ सुबह की हम आपको बताएं, एक तो महाराज जी ने कमरा भी ऐसी जगह दिया है कि जहाँ सबकी आवाज़ हमको सुनाई दे जाए। आवाज़ सुबह की सुन लो तुम, बोल दे पक्का श्री हनुमान जी महाराज। मेरे 5:30 बजे की घंटी पाड़ के हम उधर घूम के उधर आए तो क्या ना, तेरी कृपा बिना ना हिले
जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर जम के बोलो गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी, और तीसरे नंबर पर हैं संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव के, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आए हैं। जो मांगने आए हैं वो नहीं, पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ वो तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई। मांगने नहीं, मांगने नहीं, केवल आया, भजन गाया, सीताराम कहा, हर हर महादेव कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, जय श्री हनुमान जी कहा, और वो अपना चले गया। तुम्हारे दरवाजे पर मांगा नहीं उसने। असली संत तुम्हारे दरवाजे पर, गुरुजन, ब्राह्मण जन, भक्त जन, कोई भगवत प्रेमी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन हो जाए पूजन के समय पर, समझ लो कि उसने स्वीकार कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया। स्नान जब व्यक्ति कर लेता है और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है, तो जो श्मशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ उससे हजार गुना पुण्य वो वापिस प्राप्त